यदि आप ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी मूवी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फिल्म की शुरुआत इसके प्रीक्वल के बैकग्राउंड से होती है कि कैसे प्राचीन समय में लाइट और डार्क अदर्स के बीच खूनी युद्ध खत्म होने के बाद भविष्य में ऐसा समय आएगा जब द ग्रेट अदर जन्म लेगा, जिसके कारण दुनिया हमेशा के लिए डार्कनेस में समा जाएगी, जिस युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा, जिसे सिर्फ एक प्राचीन आर्टिफैक्ट कॉल्ड द चौक ऑफ फेट रोक पाएगा, जिसे ऐसे हवेली में रखा है जिस भूल भुलैया से कोई लौटा नहीं अब तक। पर एक समय टैमरलेन ने चौक तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला और फिर उसकी हजारों में सेना किले की दीवार को चीरते हुए प्रवेश कर गए, जिससे उनके और किले की सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। किले की सेना एक शेप शिफ्टर्स रेवन्स में बदलकर टैमरलेन के लीडर पर टूट पड़े, पर टैमरलेन एक एक को ढेर करके वो उसके रास्ते के बीच एक आखिरी की जान लेने ही वाला होता है कि वो उसे बख्श कर अब तहखाने में प्रवेश कर जाता है और आर्टिफैक्ट के रक्षक से चौक छीन लेता है, पर जिसे उसने कुछ देर पहले बख्श दिया था वो ही उसकी जान ले लेता है। और अब अपने आखिरी समय में टैमरलेन जीने की इच्छा लिख जाता है, जिसकी मदद से वो चमत्कार कारण से उसी पीछे के समय में मुड़ जाता है जब वो उस रक्षक की जान लेने वाला था, यानी कि उस आर्टिफैक्ट में अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। इसलिए इस बार वही भूल ना दोहराकर उसकी जान लेकर चौक को फिर से पाने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर मूवी अभी के समय में पिछले प्रीक्वल से एक साल आगे एंटन और स्वेतलेना की तरफ मुड़ जाती है, जो अब खुद भी नाइट वॉच के लिए एजेंट बन गई है। फिर तभी उन्हें खबर मिलती कि कोई खतरनाक डार्क अदर किसी मासूम बुजुर्ग का खून चूसकर उसकी जान निकाल रहा है। दोनों तुरंत उस बुजुर्ग को लोकेट करते हैं, पर स्वेतलेना बिना सोचे समझे उस हमलावर की तरफ भाग पड़ती है। चालाक हमलावर छिपने के लिए ग्लूम की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जिनके पीछे ये दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। पर हमलावर का पीछा करते करते स्वेतलेना भी उसके पीछे ग्लूम के सेकंड लेवल रेल में प्रवेश कर जाती है, जहां सिर्फ द ग्रेट अदर्स जा सकते हैं, इसलिए एंटन उन तक पहुंच नहीं पाता। मासूम स्वेतलेना अब भी एक ट्रेनी इस रेल की दुनिया को समझ नहीं पाती। एंटन चीखता रहता है, लेकिन तब तक हमलावर उसका भी खून पीने के लिए स्वेतलेना पर हमला करता है और बचाव में स्वेतलेना के हाथ में उसकी स्की मास्क लग जाती है। और फिर रिवील होता है कि वो हमलावर द ग्रेट अदर एंटन का ही बेटा येगर है। अब इससे पहले कि स्वेतलेना अपने यूवी फ्लैशलाइट हथियार से येगर को एलिमिनेट करे, एंटन अपने अंदर छिपी शक्ति को जगाकर कैसे तो सेकंड लेवल की शील्ड को तोड़कर स्वेतलेना को एन मौके पर रोक लेता है। यहाँ जोवुलन लीडर ऑफ द डार्क अदर्स और उसकी फियांसे एलिसा द डार्क वीच येगर के आने वाले जन्मदिन की तैयारी में बिजी होते हैं। फिर तभी येगर चिल्लाते हुए आता है कि तुमने कहा था कि सिर्फ द ग्रेट अदर ग्लूम के सेकंड लेवल में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि स्वेतलेना काइंड ऑफ द गॉड ऑफ अदर्स है, जिसने सारे अदर्स को जन्म दिया। पर जोवुलन को एक और बुरी खबर मिलती है कि येगर एक अपराध को अंजाम देते हुए उसकी स्की मास्क नाइट वॉच के हाथ लग गई, जिस सबूत के बेसिस पर उसे जेल हो सकती है, इसलिए येगर को बचाने के लिए उन्हें वो सबूत गायब करना होगा। वहीं जोवुलन के होटल का एक शेफ ऑटेट्स जोवुलन से अपने बेटे कोत्सा के लिए वैम्पायर ना घोषित करने का लाइसेंस के लिए बहुत विनती करते हैं, जिनका बेटा कभी एक इंसान हुआ करता था, पर निमोनिया बीमारी से उसकी जान बचाने के लिए उन्हें उसे वैम्पायर में बदलना पड़ा। वहीं तभी जोवुलन के दिमाग में खुराफात षड्यंत्र सूझता है और वो गैलिना को कोई काम सौंपता है। यहाँ एंटन अपने साथियों और स्वेतलेना को रिवील नहीं करता कि वो अपराधी उसका बेटा था। दरअसल स्वेतलेना नहीं जानती कि येगर उसका बेटा है और एंटन कभी शादीशुदा रह चुका है। वहीं दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, पर द लीडर ऑफ लाइट अदर गेजर, जो अब बोरिस के नाम से जाना जाने लगता है, उनकी नजदीकियां को देखकर एंटन को प्राइवेटली आगाह करते हैं कि उनके एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जानलेवा हो सकता है, खास करके यदि द ग्रेट अदर्स यानी कि स्वेतलेना और येगर का आमना सामना हुआ तो धरती सच में डार्कनेस में डूब जाएगी। एंटन बोरिस के लेक्चर को इग्नोर करके अपना डंपलिंग्स ओनर से पार्सल करवाकर घर के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में ही गैलिना उसे रोककर याद दिलाती कि यदि उसके बेटे के खिलाफ वो सबूत गायब नहीं हुआ तो इंक्विजिशन ग्रुप सजा के तौर पर उसके बेटे की निर्दयता से जान ले लेंगे। अब एंटन अपने बेटे को मरता नहीं देख सकता, इसलिए उसी रात नाइट विच के आर्काइव वॉल्ट में चोरी से घुसपैठ करता है और उस सबूत को तुरंत गायब भी कर लेता है। पर तभी वो सेंट्रल एशिया वॉल्ट को भी एक्सेस करता है और चौक ऑफ फेट के फाइल्स को पढ़ने के बाद उसे पुष्टि होती है कि टैमरलेन का लेजेंड सच है, जिसे समरकंड के एक म्यूजियम में चौक ऑफ फेट उनके राइट हैंड में मौजूद उसके साथ ही उन्हें दफना दिया गया। इससे पहले कि एंटन पकड़ा जाए वो पहरेदार की नजर से बचकर सबूत के साथ भाग निकलता है, पर यहाँ गैलिना अपने घर निकली ही होती कि कोई अनजान असैसिन उसकी जान ले लेता है। इसके बारे में एलिसा को पता चलने पर वो तुरंत
जेवलन को खबर करती है। दोनों का शक सीधे एंटन पर जाता है, सिंस आखिरी बार गैलेना एंटन के साथ देखी गई थी। जेवलन तुरंत उसे एंटन के खिलाफ सबूत जमा करने को कहता है ताकि वो इंक्विजिशन ग्रुप को रिपोर्ट कर सके। एलिसा बिना समय गवाए सीधे एंटन के पड़ोसी कोत्सेर से मिलती है, जो दरअसल ऑटसेस का बेटा है, जो कन्फेस करता है कि उसने आखिरी बार गैलेना को एंटन से बात करते देखा था। वहीं बोरिस को भी गैलेना की हत्या का खबर लग जाता है और कैसे की शक का सुई एंटन के तरफ है। वहीं आर्काइव बिल्डिंग में एंटन उस दौरान मौजूद था जब वो सबूत गायब हुआ, पर बोरिस को ये पता है कि एंटन कभी कन्फेस नहीं करेगा। वहीं यदि उसका गुनाह साबित हो गया तो ये भी डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि येगर भी एक अपराधी था जिसे बचाने के लिए उसके पिता ने कानून को अपने हाथ लिया। इसलिए इससे पहले कि एंटन डार्क अदर के हाथ लगे, वो ओगला और एंटन का शरीर को अदला बदली कर देते हैं। पर एलिसा को एंटन के बॉडी स्विच का खबर लग जाता है और इस उम्मीद में कि कोट्स अपने पड़ोसी को स्विच बॉडी में भी पहचान सकता है, इसलिए उसे उसके अपार्टमेंट से पिकअप करती है। पर बातों बातों में दोनों के बीच केमिस्ट्री बनने लगती है और दोनों को भी एक दूसरे के लिए प्यार बनने लगता है। पर यहाँ दोनों डिनर के बहाने घर से निकलने की गलती कर बैठते हैं और बाथरूम में एक डार्क अदर की लाश मिलने के बाद एंटन समझ जाता है कि ये उसे एक और हत्या में फंसाने का सेटअप है। इसलिए दोनों भाग पड़ते हैं और भाग्य से बोरिस उन्हें रेस्क्यू भी कर लेते हैं। पर डार्क अदर्स की सेना ने पहले ही उनके लिए फील्डिंग बिछा रखी होती है। जीने पता होता है कि ओगला के शरीर में एंटन ही है, इसलिए बोरिस को चेतावनी देते कि वो एंटन के खिलाफ हत्या का केस फाइल कर चुके हैं जिस बेसिस पर वो उसे हिरासत में लेने आए हैं। उनके समझौते के अनुसार ऐसे केस में दूसरा ग्रुप उनके आड़े नहीं आ सकता, इसलिए बोरिस कुछ कर नहीं पाते। पर श्वेत लेना एंटन को ले जाते नहीं देख सकती, इसलिए जंग के मैदान में कूद पड़ती है और एंटन भी ओगला के शरीर में एक ही किक से एक डार्क अदर को कार पर चमेट देता है। बोरिस श्वेत लेना को रोकने की कोशिश करता है पर वो अपने शक्ति की मदद से एक बस को जेवलन की तरफ मोड़ देती है, जो बस भयंकर तरह से जेवलन से टकरा जाती है। अब जेवलन एकदम तिलमिलाया वो भागते एंटन को धरने के लिए खंभे के इलेक्ट्रिकल वायर्स को एक चाबुक की तरह प्रयोग करके एंटन पर कूड़े बरसाने लगता है। कई गाड़िया की धज्जियां उड़ाने के बाद भाग्य से एंटन एक टैक्सी की मदद से भाग निकलता है। इसके तुरंत बाद द सुप्रीम पावर्स द इंक्विजिशन ग्रुप के लीडर्स बोरिस को फॉर्मली अपडेट करते हैं कि डार्क अदर्स ने एंटन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और यदि उसने कल तक एंटन के बेगुनाही का सबूत नहीं दिया तो मजबूरन उन्हें उसे एलिमिनेट करना होगा। दोनों भी इतने शक्तिशाली होते कि एक के चोरी से उनके बातें सुनने पर वो बस अपनी एक झलक से उसे उड़ा कर रख देते हैं। एंटन अब भी ओल्गा के शरीर में, वो तुरंत ओल्गा को कॉल करके एयरपोर्ट पर मिलकर शरीर की अदला बदली करने के लिए विनती करता है। दोनों की मिलने के बाद वो तुरंत अपने शरीर में लौट आते हैं और अब एंटन उसी चौक ऑफ फेट के खोज में समरकंड के लिए निकल पड़ता है, जिसके पीछे ओल्गा भी निकल पड़ती है। पर ओल्गा के अनुसार मकबरे को खोलना उसी खूनी युद्ध को अंजाम दे सकता है, पर एंटन सुनने से रहा। फिर तभी ओल्गा एक बड़ा सीक्रेट कन्फेस करती है कि चौक ऑफ फेट मकबरे में नहीं है। दरअसल 1941 के दौरान बोरिस ने कोई अपराध करके समझौता को तोड़ा था, इसलिए उसे सजा से बचाने के लिए ओल्गा ने चौक ऑफ फेट को हासिल करने के लिए टैमरलेन के मकबरे को खोला था। इवन दो जोर राइट हैंड ऑफ द टैमरलेन ने उसे चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से महायुद्ध रूप ले सकता है, पर उसने जोर की बात नहीं सुनी और ना ही उसे उस मकबरे से चौक ऑफ फेट मिला। पर ऐसा करने के कारण इंक्विजिशन ग्रुप ने सजा के तौर पर ओल्गा को एक आउल में बदल दिया, जो उस समय कभी द ग्रेट अदर हुआ करती थी, जो एक तरह से बोरिस के लिए इंक्विजिशन ग्रुप की तरफ से एक बड़ी सजा थी, क्योंकि बोरिस को उस समय में शक्तिशाली ओल्गा की बहुत जरूरत थी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। पर अब एंटन के दिमाग में चमकता है कि जैसे लेजेंड्स में कहा गया था कि चौक ऑफ फेट टैमरलेन के राइट हैंड के साथ ही दफना दिया गया, चौक ऑफ फेट दरअसल मकबरे में नहीं बल्कि जोर के पास है, क्योंकि जोर ही टैमरलेन का राइट हैंड था और उस कैफे का ओनर भी जोर ही है, जो चौक ऑफ फेट का असली रक्षक भी था। इसलिए एंटन ओल्गा की शक्ति की मदद से प्लेन को रिवर्स मोड कर तुरंत उसी कैफे पहुंचता है और जोर भी आसानी से उसे चौक दे देते हैं। एंटन के अब एक ब्लैक बोर्ड पर अपने बेटे का नाम लिखते ही येगर जादू की तरह प्रकट हो जाता है, जिसे देख एंटन की खुशी थमती नहीं। पर जब एंटन उसके लिए इस ठंड में कुछ गर्म लाने बढ़ता है, श्वेत लेना एंटन के लिए परेशान जब उसके फोन पर कॉल करती है तो येगर एंटन का फोन पिकअप करता है और श्वेत लेना को उसके पिता से दूर रहने की चेतावनी देता है। आप सिंह श्वेत लेना जिसे एंटन के शादीशुदा होने का पता नहीं था,
गया। ऊपर से एंटन का एक बेटा पता चलने पर वो एकदम से टूट जाती है। वहीं यहाँ एंटन के लौटने पर यगर उनसे विनती करता है अपने घर उसकी माँ के पास लौटने के लिए, पर अब एंटन की जिंदगी अब अदर्स के बीच है। जिस गुस्से में यगर उसका फोन तोड़कर वहां से चला जाता है। अब एंटन को समझ नहीं आता कि चौको फेट ने काम क्यों नहीं किया। तब जोर उसे बताते कि वो तभी काम करेगा जहां से उसके भाग्य का उलट पलट हुआ था, यानी कि वो पल जब अनजाने में डार्क विच डारिया ने उसके बेटी की जान लेने की कोशिश की थी, जिनके घर की दीवार पर लिखने से उसका भाग्य बदल सकता है। एंटन को अब रियलाइज होता है कि उसका भाग्य बदलने से रहा, क्योंकि उस विच के घर को कब का गिरा दिया गया है। वहीं एंटन को तुरंत रियलाइज होता है कि येगर उससे चौक गायब करके फरार हो गया। इसके तुरंत बाद डार्क अदर्स के लोग एंटन के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे भागते भागते वो ग्लूम की दुनिया से होते हुए मेट्रो स्टेशन लैंड करता है, पर अब डार्क अदर की पूरी पलटन उसके तरफ बढ़ते देख वो चलते ट्रेन में चढ़ जाता है। और डार्क अदर की सेना, जिन पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं करता, वो टीसी को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ एंटन का टूटा हुआ फोन और येगर का वहाँ होने का पता चलने पर बोरिस को भनक लग जाती कि चौक अब येगर के पास है। वहीं स्वेतलेना को येगर एंटन का बेटा होने का पुष्टि होने पर वो और भी टूट जाती है, इसलिए उनसे दूर निकलने के लिए बाथरूम के रास्ते खुद को फ्लश करके भाग निकलती है। अब डार्क अदर के हाथ में चौक ऑफ फेट खतरे से खाली नहीं, इसलिए बोरिस ओल्गा को सारे लाइट अदर्स को जोवलन के होटल पहुंचने का आदेश देते हैं और वो चौक एलिसा येगर से अपने पास रख लेती है, जिसका वो तुरंत सीक्रेटली इस्तेमाल करती है कोटसाया को अपने पास बुलाने के लिए, जो जादू मंत्र के तरह सच में प्रकट भी हो जाता है। एलिसा दरअसल जोवलन के जबरदस्ती रिश्ते से खुश नहीं है, वो दरअसल कोटसाया को पसंद करती है। एलिसा उसे रिवील करती कि उसकी उंगली में वो अंगूठी दरअसल एक जादुई अंगूठी है, जिसके मदद से वो उस पर नजर बनाए रखता है, जिसे वो चाहे भी तो निकाल नहीं सकती। इसके बाद पोपोगे नाम का डार्क अदर एंटन के पीछे पड़ जाता है, पर एंटन उसे ही कमजोर कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि जोवलन ने आज उसके बेटे के जन्मदिन के लिए एक आलिशान पार्टी रखी है, जहां प्रवेश करने के लिए वो पोपुगाय के चेहरे का बर्फ में इम्प्रेशन तैयार करके उस इम्प्रेशन को अपने चेहरे पर चढ़ाते ही उसका चेहरा उस पोपुगाय की तरह बदल जाता है, जिसकी मदद से वो बिना किसी परेशानी के होटल में प्रवेश कर जाता है। पर एक पहरेदार उसके बेरोपियेपन को पहचान लेता है, इसलिए वो एंटन की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है, जिससे एंटन का असली चेहरा रिवील हो जाता है। पर वो घायल ही सही पर ग्लूम के रास्ते बैंक्वेट हॉल तक पहुंच जाता है, जो जगह डार्क अदर से येगर के जन्मदिन की पार्टी चल रही होती है। फिर जोवलन चालाकी से टोस्ट के बहाने उसके ड्रिंक में खून मिला देता है, जिससे उसे तुरंत नशा चढ़ जाता है। पर हालांकि एंटन नशे में, वो उसी डार्क विच डारिया को पहचान जाता है, जिससे उसने अनजाने में एक समय सौदा किया था उसके बेटी की जान लेने के लिए। वो बताते कि वो अपना भाग्य अब भी बदल सकता है उस चौक की मदद से। वो उसे याद दिलाते कि हालांकि उसका घर अब नहीं रहा, पर उसके घर की दीवार अब भी बाकी है। वहीं एलिसा जोवलन को इंक्विजिशन को एंटन की खबर देने का सजेस्ट करती है, पर जोवलन ने एक भयंकर प्लान रचा होता है, जिसके लिए वो बस एक आखिरी मेहमान का इंतजार कर रहा होता है। पर जब एंटन की नजर ओटेट्स और उसके बेटे कोटसाय पर पड़ती है, तब उसके दिमाग में जोवलन का शातिर प्लान चमकता है कि जोवलन ने ओटेट्स का मजबूरी का फायदा उठाकर उसके बेटे को वैम्पायर घोषित करने के लाइसेंस को रद्द करने के बदले में ओटेट्स को गैलिना की जान लेने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो एंटन को रास्ते से हटा सके अपने मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए, जो क्या है हमें कुछ देर बाद रिवील होगा। इस षड्यंत्र के बारे में इंक्विजिशन को भी पता चल जाता है, इसलिए इंक्विजिशन ग्रुप ऑटेट्स को अपराधी मानकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कोटसाय अब एकदम भड़का हुआ अपने पिता की बदला लेने की कोशिश करता है, पर जोवलन उसे बिल्डिंग के बाहर उड़ाकर उसे मरने के लिए नीचे फेंक देता है। वहीं स्वेतलेना, जिसमें इंट्रोस्कोप की शक्ति होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लोगों को पहचान सकती है, वो एंटन को ढूंढते ढूंढते होटल पहुंच जाती है। और अब जोवलन का मास्टर प्लान सफल होते नजर आता है, क्योंकि लेजेंड्स के अनुसार जब द टू ग्रेट वंस एक दूसरे के आमने सामने एक खून की बूंद भी बहाएंगे, तब धरती का विनाश रूप लेगा, जिसका जोवलन को बेसब्री से इंतजार था। इसीलिए यह पार्टी अरेंज की गई थी सारे डार्क अदर्स को युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए। अब स्वेतलेना के प्रवेश करने पर उसे गैरफहमी होती कि एंटन एक प्लेबॉय है, इस बात से बेखबर कि वो दरअसल नशे में है। वहीं जोवलन येगर को गलत उकसाने लगता है कि उसके पिता स्वेतलेना को पसंद नहीं करते, फिर
भी वो उसके पीछे पड़ी है। येगर को फिर याद आता है कि स्वेतलेना के साथ पहले मुठभेड़ में उसने अपना नीडल उसमें घुसेड़ा था, इसलिए जैसे जैसे वो एक जूस बॉक्स पीता है उसका डायरेक्ट असर स्वेतलाना से लिंग। स्वेतलाना धीरे धीरे कमजोर होकर उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। वहीं इस तरफ ओल्गा और लाइट एजेंट सीमन होटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर डार्क अदर्स के कुछ लोग उनके आड़े आ जाते हैं और उनके ट्रक को टक्कर मारकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। फिर तभी ओल्गा को सेंस होने लगता है कि स्वेतलेना की जान खतरे में, इसलिए वो तुरंत उसे कॉल करके अपनी आंखें खुले रहने की विनती करती है। पर स्वेतलेना की हालत गंभीर होने लगती है, पर कैसे तो ओल्गा उसे जगाए रखती है। जब स्वेतलेना कैसे तो अपने पैरों पर खड़ा होकर हॉल से बाहर निकल आती है, जोवलन अब अपना योयो येगर को खेलने के लिए देता है, जो दरअसल कोई खेलने की चीज नहीं बल्कि मास डिस्ट्रक्शन का हथियार है। योगर अब स्वेतलेना के रास्ते आकर उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है, पर स्वेतलेना लड़ने से इनकार कर देती है। और जब वो भागने की कोशिश करता है तो दोनों के टक्कर में येगर को हल्की सी चोट लग जाती है, जिसके कारण येगर के नाक से खून बहने लगता है, जिसके जमीन पर गिरते ही वही लेगेसी की जब किसी एक ग्रुप का खून बहेगा तब डार्क वर्सेस लाइट के बीच एक और महायुद्ध जन्म लेगा जो अब रूप ले लिया है। यहाँ ओल्गा और अदर लाइट एजेंट्स होटल में घुसकर दूसरे सभी को होटल से भागने के लिए विनती करते हैं। अब येगर के वो योयो एंटन की तरफ टॉस करते ही वो योयो एक न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की तरह मल्टीप्लाई होता जाता है, जो चारों तरफ फैलकर तबाही मचा देता है। दीवारों में छेद करते उसके हमले में डार्क और लाइट जैसे कई लोग मारे जाते हैं। सून वो योयो शहर में हर तरफ फैल जाता है, जिसके कारण हर तरफ तबाही मच जाती है। बड़े से बड़ा मीनार उसकी खतरनाक ताकत के सामने टिक नहीं पाता और ऐसे ही कई मीनार ढह जाते हैं, जिससे अब साफ नजर आने लगता है कि पूरी धरती अब डार्कनेस में समा गई है। वहीं एलिसा अपना रिंग अब भी निकालने की कोशिश में वो फाइनली अपना उंगली काट कर उस रिंग से आजाद हो जाती है। इसके तुरंत बाद जोवलन और एंटन एलिसा के खोज में निकल पड़ते हैं उस चौक को हासिल करने के लिए, पर भाग्य से एंटन उस तक पहले पहुंच जाता है। एलिसा कोत्सा को बचाने के लिए उसका नाम लिखने लगती है, पर एंटन उसे याद दिलाता है कि वो तभी बचाया जा सकता है यदि वो उसकी गलती होती। सच्चाई है कि इन सब का जिम्मेदार वो खुद है और उसे ही अपना भाग्य बदलना होगा, इसलिए एलिस तुरंत वो चौक दे देती है। अब जब एंटन चौक लेकर होटल से एग्जिट करने लगता है तब स्वेतलेना और येगर दोनों भी उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिनके बवंडर के बराबर शक्ति के कारण बिल्डिंग में चीर पड़ने लगता है और अब पूरी की पूरी बिल्डिंग ढहने लगती है, जिसके कारण अब एक लार्ज पीस ऑफ ग्लास सीधे एंटन पर गिरने ही वाला होता है उसे दो भाग में करने के लिए। तब तक बोरिस अपने जादुई कैमरा की मदद से समय को रोक लेता है। बोरिस उसे याद दिलाता है कि ये सब अंजाम उसी के कारण हुआ है, इसलिए उसे जल्द से जल्द इसे सुधारना होगा इससे पहले कि इस कैमरा की शक्ति खत्म हो जाए। एंटन अब तुरंत अपनी जान लगाकर उसी द डार्क विच डारिया के अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचता है जहां उसने डारिया से डील की थी। हालांकि बिल्डिंग एकदम से डिस्ट्रॉयड है, पर किसी तरह उसके वॉल्स की तरफ पहुंचकर उसकी उस दीवार पर ना लिखते ही अब समय धीरे धीरे तेजी से पीछे दौड़ने लगता है और इवेंचुअली सब कुछ उसी समय की तरफ मुड़ जाता है जब एंटन अनजाने में उसी डार्क विच डारिया से वही डील करने वाला था कि वो उसके बेटे की जान ले सकती है, पर इस बार एंटन अनजाने में ना में जवाब देता है, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है, जिसके कारण अब जो पिछली बार पूरी घटना घटी थी वो कभी घटती ही नहीं। और एक बार फिर डार्क वर्सेस लाइट के बीच एक और महायुद्ध होने से पहले यहीं रुक जाता है। बिल्डिंग से निकलते वक्त उसकी मुलाकात उसी नाइट वॉच एजेंट से होती है जो पिछले टाइमलाइन में कभी उसका दोस्त बनने वाले थे, जो अब उन्हें पहचानता नहीं है क्योंकि अब वो घटना घटी ही नहीं है जो पिछली बार घटी थी, और ना ही अब वो जानता है कि वो खुद भी द अदर है और ना ही उसे ये कोई इल्म है कि अदर्स लोग जैसे एग्जिस्ट करते हैं। एंटन जब बिल्डिंग से बाहर कदम रखता है तो उसे रास्ते में स्वेतलाना भी अब अलग ही प्रोफाइल में नजर आती है। वहीं बगल के बेंच पर बोरिस और जोवलन दोनों भी ये शर्त लगाते दिखाई देते कि एंटन स्वेतलाना को पहचानेगा कि नहीं, जिस पर बोरिस का शर्त यस पर होता है, वहीं जोवलन का नो, जो शर्त अंत में बोरिस ही जीतता है क्योंकि अंत में एंटन को समझ आने लगता है कि शायद उसने स्वेतलाना को कहीं देखा है। और इसी कॉन्वर्सेशन से उनकी एक नई कहानी शुरू हो जाती है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।